अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जिस तरह से स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इसी तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। जहां तक स्पीड का ताल्लुक है, स्पीड हमें बताती है बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। अगर मोशन में है ये कितना फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी हमें बताती है बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। अब अगर मोशन में है तो ये कितना फास्ट मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरह से एक्सेलरेशन हमें बताती है बॉडी मोशन में है या नहीं है। अगर बॉडी मोशन में है तो इसकी मोशन में कमाल आ रहा है या जवाल हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी हमें बताती है बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। मगर वो एक एडिशन, अगर बॉडी मोशन में है तो उसके साथ साथ वो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताती है और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रही है कि वो क्या है। अगर बॉडी मोशन में है, इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजिटिव बाय द बॉडी, ठीक है। तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी of motion possessed by a body। तो एक बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बॉडी मूव कर रही है मोशन में, अब हमें देखना है इसमें कितनी मोशन है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब हमें देखना है इसमें कितनी मोशन है, कितनी मोशन ये पोजेस कर रही है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे? देयर आर टू मेथड्स। एक तरीका यह है कि हम इस बॉडी को रोक ले, ठीक है। तो रोकेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट इज द फोर्स विच कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है ना। तो अगर बॉडी मोशन में है, इसको रोकना है, इसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर बॉडी मूव कर रही है, इसको हम रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। अब कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इन अ गिवन टाइम, टाइम के साथ इसकी रिलेशन है, फोर्स को टाइम के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है सो फार एज द मोमेंटम इज कंसर्न। तो इस मूविंग बॉडी को रोकने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन अ गिवन टाइम, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी से हमें पता चलेगा इसकी लीनियर मोमेंटम कितनी है। मतलब अगर बॉडी को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े इन अ गिवन टाइम, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए, तो इसका मतलब यही हुआ बॉडी पजेसेस मोर मोशन, मीन्स इस कि जो लीनियर मोमेंटम होगी वो ज्यादा होगी। सो ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम, देन ग्रेटर वुड बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इज दिस क्लियर टू यू? तो बॉडी की जो लीनियर मोमेंटम होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ए गिवन टाइम बॉडी को रोकने के लिए, तो उसका मतलब ये है बॉडी में जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कम है, यानी कि मोशन उसकी बहुत कम है। इज दिस क्लियर टू? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते थे हैं, मान लीजिए फ्रॉम सर्टन हाइट खिड़की से आप नीचे खड़े हो, मैं ऊपर खिड़की से, मेरे हाथ में दो बॉल है, एक बॉल मान लीजिए लेदर बॉल है जिसका जो मैस होता है, जो लाइट हम कहेंगे लाइट, एक लाइट बॉल है, दूसरी हेवी बॉल है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कौन सी बॉल आप इजिली, किस बॉल को रोकने के लिए आपको काफी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? लेदर बॉल अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसको रोकने के लिए आपको काफी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन गिवन टाइम, ठीक है। तो अगर बड़ी बॉल, मेटेलिक बॉल में 10 kg बॉल में छोड़ दूंगा तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। इज दिस क्लियर टू? इसका मतलब क्या हुआ? जो हेवी ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो ज्यादा होगी,
ठीक है ना, जो व्हाइट ऑब्जेक्ट है यानी कि लेदर बॉल जो है उसको रोकने के लिए काम फोर्स आपने अप्लाई किया तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो काम होगी, इज दिस क्लियर टू यू। तो दूसरा तरीका ये है, अगर एक बॉडी जा रही है विद सम वेलोसिटी विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप हमें देखना है इसमें कितनी यानी कि लीनियर मोमेंटम है, हाउ मच लीनियर मोमेंटम इज दिस बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी की लीनियर मोमेंटम कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एज्यूम करेंगे, पहले नोट करेंगे इसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है ना, ये बॉडी किस वेलोसिटी से जा रही है। अब हम इसको रोकेंगे, उस रोकने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टार्ट कैसे करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे इस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए ये बॉडी है, ये पहले जा रही थी इस वेलोसिटी से, अब इसको रोक लेंगे, रोकने के बाद इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इतना फोर्स अप्लाई करना है ताकि इसकी जब हम ये रेस्ट पे थी इसकी वेलोसिटी जीरो, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहले रेस्ट में था मोशन में आ जाएगा, तो जब तक हम इस पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती रहेगी, ठीक है ना। पहले 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, मान लीजिए यहाँ 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी पहले, ठीक है ना। अब हम इसको इतना फोर्स अप्लाई करें ताकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, कितना कितनी, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर पहले इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। जब 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी तब तक इस पर फोर्स अप्लाई करते रहना है, ठीक है, और कितना फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा इन ए गिवन टाइम, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 to the maximum 10 meter per second, ठीक है ना। तो जितना फोर्स हमें इसको इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने में लगेगा इन ए गिवन टाइम, उतनी इसमें क्या होगी, लीनियर मोमेंटम, दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि हम बॉडी को रोक लें, रोकने में हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ए गिवन टाइम, तो उससे हमें पता चलेगा इसका लीनियर मोमेंटम कितना है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन ए गिवन टाइम इसको रोकने में, तो इसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। इसी तरह से अब अगर बॉडी मूव कर रही है, पहले हम अब इसको रोक लेंगे यानी एज्यूम करेंगे रुकी हुई है, अब इस पे उतना फोर्स अप्लाई करना है इन ए गिवन टाइम ताकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए फ्रॉम 0 to maximum value, तो मैक्सिमम वैल्यू तक हमें कितना फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा इन ए गिवन टाइम, ठीक है ना, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट लीनियर मोमेंटम, उससे हमें पता चलेगा बॉडी में कितना लीनियर मोमेंटम है। इज दिस क्लियर, ये दो तरीके है लीनियर मोमेंटम मेजर करने के, इज दिस क्लियर यू। अब देखते हैं कब ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और कब इन ए गिवन टाइम, और कब कम फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इन ए गिवन टाइम, ठीक है। सो फार एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कंसर्नड, देर आर टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, वन इज मास ऑफ द बॉडी एंड सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। These are the two important parameters so far as the amount of force required to stop or move a body, ठीक है ना, किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, किसी बॉडी को अगर रुकी हुई है उसको मोशन में लाने के लिए, ठीक है ना, हमें कितना फोर्स चाहिए ताकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, तो उसके लिए दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, एक है मास, दूसरा है वेलोसिटी। This is clear to you? What I mean to say? मान लीजिए हमारे पास, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे दी है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, टू बॉल्स आर देयर, एक बॉल लेदर बॉल है जिसका जो मास जनरली होता है 160 or 150, इसी के अराउंड उसका मास होता है, ठीक है। तो दूसरी बॉल है मेटेलिक बॉल जो तकरीबन 10 kg की है, बड़ी मेटेलिक बॉल है, एक छोटी बॉल है लेदर बॉल, इसको मैं खिड़की से एक साथ छोड़ दूंगा, फायर नहीं करूंगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट नहीं करूं, जैसे आई विल जस्ट रिलीज देम फ्रॉम द सेम हाइट, खिड़की से आप नीचे है तो आपको मैं कह रहा हूं इनको रोक दो, ठीक है ना, इनको रोकना है, इनको कैच करना है, ठीक है। जो लेदर बॉल है उसको आप इजिली कैच कर सकते हो, सो बिफोर लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं ऊपर से छोड़ रहा हूं, जब बोथ द बॉल्स विल हिट द सर्फेस ऑफ अर्थ विद द सेम वेलोसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
जो यहाँ पे वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, वो मास पे डिपेंड नहीं है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बोथ ऑब्जेक्ट्स विल रीच साइमल्टेनियसली विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है ना, एक ही वेलोसिटी वो पहुंचेगी कहां पे, टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, सर्फेस ऑफ अर्थ पे वो सेम वेलोसिटी पहुंचेंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ये याद रखना। अब मैं छोड़ रहा हूं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, अब आपको कैच करना है तो लेदर बॉल आप इजिली कैच कर सकते हो, उसके लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो मेटेलिक बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है, उसका मैस है 10 kg, तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैच अ बिगर बॉल, ठीक है ना, इन अ गिवन टाइम, इज दिस क्लियर टू यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटी बॉल तो बड़ी बॉल दोनों की वेलोसिटी सेम है, पर मैस इज डिफरेंट, मैस इज डिफरेंट, वेलोसिटी सेम, मैस इज डिफरेंट, मगर जो हेवी ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए हमें, जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको कम फोर्स चाहिए, ठीक है ना, सो इट मीन्स दैट ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए हेवी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, देन द लाइटर ऑब्जेक्ट, इज दिस क्लियर टू। अगर हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए इन ए गिवन इंटरवल, इन ए गिवन टाइम, इज दिस क्लियर टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब अगर ज्यादा फोर्स हमें चाहिए किसी बॉडी को रोकने के लिए इन ए गिवन टाइम, तो उसका मतलब है उसकी जो लीनियर मोमेंटम है वो ज्यादा होगी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से मोर इज द मास ऑफ द बॉडी, मोर विल बी द व्हाट, लीनियर मोमेंटम, यानी कि अगर ज्यादा मास होगा मूविंग बॉडी का तो ज्यादा लीनियर मोमेंटम भी उसका होगा। सो लीनियर मोमेंटम नंबर वन, लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर उसका मास, अगर उसका मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसकी लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगी। सो लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव बाय बॉडी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट, द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द मूविंग बॉडी, मास ऑफ द मूविंग बॉडी, इज क्लियर, नंबर वन। नंबर टू, इसी तरह से जो लीनियर मोमेंटम है इसमें सेकेंड इज देयर। अब जो लीनियर मोमेंटम है, एक और एग्जांपल दे देते हैं कि मास का मैंने बता दिया और वेलोसिटी का बता देंगे। अब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दोनों का जो मास है वो बराबर है, एक स्लो जा रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट जा रही है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में बुलेट है, बुलेट आपने देखा होगा, ये बुलेट हम ऐसे हाथ से भी थ्रो कर सकते हैं और गन से भी फायर कर सकते हैं। अगर मैं हाथ से फायर करूंगा आप इसको इजिली कैच कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, मगर अगर मैं इसको गन से फायर करूंगा क्या आप उसको रोक सकोगे, नहीं, ये बुलेट आपको ये रोक लेगी, ठीक है ना, तो मतलब उस वक्त जो बुलेट है अगर उसके सामने कोई चीज रखेंगे दैट बुलेट विल पर्स थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, उसमें ज्यादा वेलोसिटी, मास तो सेम है मगर वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होने से मतलब ये हुआ उसमें जो मोमेंट यानी कि मोशन है वो ज्यादा है, मतलब इसकी लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग फोर्स चाहिए इन ए गिवन टाइम, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगी। सो लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट, velocity of the body, जो velocity होगी body की उस पर भी depend है, ठीक है ना, combine these two what will you get, linear momentum is directly proportional to what, mass of the body into velocity of the body, ठीक है, एंड जो लीनियर मोमेंटम है इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय पी, ये पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो पी इज जनरली डिपेंडेड ऑन व्हाट, मास, व्हाट इज मास, मास हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेलोसिटी हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन राइट एज पी इज इक्वल
KMV. What is K? K is constant of proportionality. And its value is what? It is equal to unity. ठीक है, डायमेंशन लेस है. सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी. इज दिस क्लियर टू यू? सो इसका मतलब क्या हुआ? सो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. क्या जो लीनियर मोमेंटम है कैसे डिफाइन करेंगे क्वांटिटेटिवली? The linear momentum of a body is defined as the product of mass of the object and its velocity. Product of mass of the object and its velocity. ठीक है, is this clear to you? ये है इसकी definition. इसको हम vector form में भी लिख सकते हैं. तो vector form में ये हम इस तरह से लिखेंगे. I will show you here. तो linear momentum किसके बराबर है? मैस इंटू वेलोसिटी. जैसे कि मैंने पढ़ाया है इससे पहले केपर नंबर वन वेक्टर्स पे. अगर हम यहां पे देखिए मैस क्या है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. जैसे कि मैंने पढ़ाया है वेक्टर्स में अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? वी गेट ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी. व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ए स्केलर क्वांटिटी. वी गेट ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी. जो नई क्वांटिटी होती है वो भी वेक्टर होती है. इसका मतलब ये है मास को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से एक नई क्वांटिटी मिलती है, दैट इज मोमेंटम. और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम भी वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है. इस क्रिएटिव. अब इस नई क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी वही जो गिवन वेक्टर की होगी. गिवन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? यानी कि वेलोसिटी. वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी किसकी? मोमेंटम. Is this clear to you? Therefore, in vector form, it can be written as V is equal to M. Is this clear to you? So, momentum vector is equal to mass times the velocity vector. Is this clear? So, momentum क्या है? It is a vector quantity. इसका magnitude कितना होता है? इट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी. इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होता है. इज क्लियर? ओके. एंड नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स? अब इसका एसआई यूनिट देखते हैं. पहले एसआई यूनिट ऑफ वी इट्स इक्वल टू मैस का ऐसा यूनिट इंटू वेलोसिटी का ऐसा यूनिट. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैस? इट इज केजी. इंटू व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? ऐसा यूनिट. इट इज मीटर पर सेकेंड. सो केजी मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? लीनियर मोमेंटम. अब इसका सीजीएस सिस्टम में भी इसका यूनिट दे सकते हैं. तो वहां पे आएगा केजी के बदले ग्राम आएगा, मीटर के बदले सेंटीमीटर आएगा. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इन सीजर सिस्टम. इज दिस क्लियर? ओके. अब देखिए अब मान लीजिए अब ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी. ठीक है, अब अगर मोमेंटम इफ पी इज कॉन्स्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखें या इस तरह से करेंगे, मान लीजिए बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास इज कांस्टेंट. वी विल डिस्कस ऑन स्पेशल केसेस. केस नंबर वन, इफ एम यानी मास इज कांस्टेंट. अगर मास कांस्टेंट है, लाइक मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट, वो वेरी नहीं हो रहा, देन देयर वुड बी रिलेशन बिटवीन पी एंड वी. देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी वुड बी मोमेंटम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इज दिस क्लियर टू यू? सो इसका मतलब ये हुआ अगर बॉडी का मास कॉन्स्टेंट है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग सपोज और डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ेगी बाय द सेम अमाउंट. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी उसी के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. So they are linearly depending on each other. Momentum is depending linearly on the velocity. And is this clear to you?
if we plot a graph between the two, we will get a straight line like this. यहां से ले लेंगे velocity, यहां से ले लेंगे linear momentum. अगर velocity बढ़ रही है तो linear momentum भी linearly बढ़ रहा है. Is this clear to you? याद रखना. इसी तरह से second case, if velocity is constant. अब अगर velocity of a body constant होगी तब then जो linear momentum है it would be directly proportional to what? Mass of the object. अब जो linear momentum है it depends linearly on what? Mass of the object. अब अगर यहां पे हमने क्या लिया? In this case mass constant. अब दूसरा केस है, इसमें हम वेलोसिटी कांस्टेंट देंगे. इसमें भी लीनियर रिलेशनशिप है. किसके दरमियान? लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम और मास के दरमियान. यहां से मास ले लेंगे, यहां से लीनियर मोमेंटम ले लेंगे. अगेन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इज दिस क्लियर? तो दिस वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. यहां पर हमने रिज्यूम किया है वेलोसिटी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वेलोसिटी. Is this clear? इसी तरह से एक और केस है, थर्ड केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो. सो अब हम इसका थर्ड केस डिस्कस करेंगे. द थर्ड केस इज इफ पी इज कॉन्स्टेंट. अगर पी कॉन्स्टेंट होगा मतलब लेट्स कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स. Consider two objects A and B. दो object हमारे पास है, object A and object B. Suppose M1 and V1. These are the mass and velocity of object A. ठीक है? And M2, V2. ठीक है? Be the mass and velocity of object B. दो ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहे हैं. एक ऑब्जेक्ट जा रही है विद वेलोसिटी V1, उसका मास है M1. दूसरी ऑब्जेक्ट जा रही है विद वेलोसिटी V2, उसका मास है M2. यहां पे दिखाई गई दिस ऑब्जेक्ट A, ठीक है, इसका मास है M1, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी V1. दूसरी ऑब्जेक्ट है B, इसका मास है m2, ये जा रही है विद वेलोसिटी v2. ठीक है? मगर दोनों का हम एज्यूम करेंगे मोमेंटम सेम है. इफ मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज सेम, पहले लिखेंगे मोमेंटम, देयरफॉर मोर देन टर्म, यानी मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए, वो हम p1 से रिप्रेजेंट करेंगे. p1 इज इक्वल किसके बराबर होगा? मास टू वेलोसिटी. मास इसका है m1, इसकी वेलोसिटी है b1. ठीक है? इसी तरह से मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ d, वो किसके बराबर होगा? p2, वो होगा m2 v2, उसका मास है m2, उसकी वेलोसिटी है b2. इनको मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम मिलता है, दिस नंबर वन, दिस नंबर टू. ठीक है ना? यहां पे कंडीशन क्या है? मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट इफ p1 इज इक्वल टू p2, दोनों का मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, यदि सेम है, देयरफॉर तब क्या होगा? m1, या यहां पे लिखूं सिंस मोमेंटम बोथ द ऑब्जेक्ट सेम है, तब क्या होगा? m1 v1 वुड बी इक्वल टू m2 v2. इज दिस क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं m1 v1 is equal m2 v2, और v1 ये v2 यहां शिफ्ट करेंगे, ये जाएगा नीचे, v2 is equal m2 divided by m1. इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट यहां पे v1 ऊपर है, और v1 इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यहां पे राइट साइड पे इसका जो मास है वो नीचे है. यहां वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की नीचे है, इसका मास ऊपर है. सो दिस शोज दैट वेलोसिटी डिपेंड्स इनवर्सली टू व्हाट?
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट द मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, इज दिस क्लियर यू? तो अगर इस टेंशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी लेंगे, वी गेट ए ग्राफ कर्व लाइक दिस, ठीक है ना? ये वाला कर्व, इज दिस क्लियर टू यू? दिस शोज दैट विद इंक्रीजिंग मास व्हाट हैपेंस, द वेलोसिटी डिक्रीजेस, या अगर मास डिक्रीज करेंगे व्हाट हैपेंस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, इज दिस क्लियर टू यू? अगर एक बॉडी जा रही है ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स, अब अगर उसका मास सम हाउ, ये जा रही है विद सम वेलोसिटी, मान लीजिए उसका मास इंक्रीज हो रहा है सम हाउ, उसमें कुछ एड हो रहा है, ऊपर से मास एड हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू कीप द मोमेंटम कॉन्स्टेंट, याद रखना। या अब अगर बॉडी जा रही है, ठीक है, मान लीजिए उस बॉडी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आगे जा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगे अलग स्ट्रेट ट्रैक जा रही है, तो इट विल कंटिन्यूसली मूव अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट ट्रैक विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मान लीजिए उसके इसमें एक टैंकी है और उस टैंकी में सुराख है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो जब आगे आगे जब निकलेगी उसका मास कम होता जाएगा, ठीक है ना, जितना मास उसका कम हो जाएगा उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो पहले वो धीरे चल रही थी, अब उसके जितना मास कम हो जाए उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, द वेलोसिटी विल इंक्रीज इन ऑर्डर टू कीप द मोमेंटम कॉन्स्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स,